जय गुरुदेव। आज हम क्लास 9 के NCERT टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन 7 के सिमिलर हमें कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसके ई एफ एंड जी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, जो पेज 70 पर क्लास 9 की बुक में, क्लास 9 NCERT की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसमें है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यह है हमारे कुछ, हमने फंक्शंस ले रखे हैं और उन्हीं के आधार पे अब डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, या एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस तरह से कुछ हमारे ये चार तरह के हमारे हमने क्वेश्चंस लिए हैं, जो देखते हैं उनको हम एक एक करके। ये हमारा वाई इज इक्वल टू 2, ये हम फंक्शन एफ से डिनोट कर रहे हैं, और ये एफ यहाँ छोटा सा कहीं लिखा होगा यहाँ एफ, और ये लाइन जो रेड से डिनोट हो रही, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अभी ये y माइनस 2 से पास हो रही है, x की वैल्यू इसमें नहीं है, तो ये लाइन क्या हो रही, पैरेलल टू x एक्सिस जा रहे हो। जब y इज सम कांस्टेंट, देन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब देखिए इसको, ये माइनस 2 से जा रही है, अगर ये लाइन हमारी, अब हम इसको 3 से ले लें, प्लस 3 से जा रही है, तो y इज इक्वल टू प्लस 3, या जो भी y इज इक्वल टू समथिंग होगा उस पॉइंट से ये लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। ये देख लीजिए, अब हम यहाँ पर ये 1 पे ले रहे हैं, तो y इज इक्वल, y की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आएगी, y इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो यह आ जाएगा 0 1, तो y की वैल्यू 1 आ रही। तो ये हमारा, जब भी y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब इसमें देखिए, वह जी लाइन हमारी ये पिंक में है, अब इसमें ये जी यहाँ इसके यहाँ दिख रहा होगा आपको, जी इसके भीतर में ये जी, हम इसको पुल करके यहाँ ले आते हैं, ये जी लाइन है। तो जी का जो इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू 4.3, ये 4.3 प्लस से जा रही है हमारे। अब इसको हम और आगे करें, अब 5 से पास हो रही, तो एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन 0 0। ओके, अब हम इसको और आगे ले जाते हैं, यहाँ 6 से पास हो रही, तो एक्स इज इक्वल टू 6 है, और वाई क्या है इस पॉइंट पर, 0 है, तो हमारा ये। अब इधर अगर ले जाए हम, तो -4, एक्स इज इक्वल टू -4 से पास हो रही, वाई की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है, ये पैरेलल लाइन है हमारे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो सडनली कोई दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा, हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू -4 और इस पॉइंट पर कामा 2 आ जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो वो कोऑर्डिनेट वाली बात अलग है, हम एक्स एक्सिस पर के जो है वो देख रहे हैं। ठीक, ये लाइन जब एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब x प्लस y इज इक्वल टू समथिंग सम कांस्टेंट, ये दिया है आपका, ये हमारा, ये लाइन इस x एक्सिस से पास हो रही है, और 45 डिग्री अगर एक एंगल हम देखें तो 45 डिग्री होगा। देखिए इधर ये क्या 4 है, ये भी 4 है, राइट, इस राइट एंगल ट्रायंगल में
ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो सटल ये दोनों एंगल 45 पर पास हो रहे, तो एंगल एक्स प्लस दोनों प्लस हो। और अगर हम इस लाइन को जिस जहाँ भी है इस जगह से ले रहा है, तो यह एक्स ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे आपके, हाँ तो एक्स की वैल्यू तो जीरो है और वाई की वैल्यू वन होगी। अगर यहाँ हम कोई पॉइंट ले के कोऑर्डिनेट ले तो डिफरेंट पॉइंट आएंगे, हम यहाँ ओरिजिन पर जो पॉइंट आएगा उसका देख रहे हैं कि ये अब दोनों एक्स इज जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, तो ये हमारा ये हुआ। अब ये किया हम एक और हमारा नेक्स्ट, ये हमारा एच ग्राफ था जो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो से डिंट। अब आई वाला जो ग्राफ है वाई एक्स आई लाइन जो है लाइन का ग्राफ है, और ये इस कलर से आपका थोड़ा इस कलर से है डिनोट किया। अब दिख सकते हैं दोनों का कलर सेम है, यहाँ इनके सेम है, इसका ये इसका सेम है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लियर समझ में आ जाए आपको। इसलिए अब ये देखिए हमने एक को ये लिया है, अब इस लाइन को हम आगे पीछे करते तो क्या चेंज होता, देखिए हम जब इसको आगे पीछे करते हैं तो ओनली कांस्टेंट चेंज हो रहा है। ये ऐसे हम ये करने से का मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं इनको, इसके क्या कर रहे हैं हम पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं। इस जो हमारी लाइन थी ई एफ लाइन जो है तो उसको हम पैरेलल ड्रा कर रहे हैं इस तरह से, तो हमारा सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। यहाँ पर भी हम पैरेलल ही ड्रा कर रहे थे, तो ये क्या है सी की वैल्यू चेंज हो रही है। ये इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखें तो ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट दिखा रहा थी 3 के बराबर। राइट, ये लाइन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें x एंड y की दोनों की वैल्यू है, यहाँ हमने x प्लस y दोनों यूनिट लिया, कोफिशेंट 1-1 लिया था दोनों के को और उसको इंटरा किया। यहाँ कोफिशेंट हमारा एक्स और वाई की कोफिशेंट, मगर एक्स समथिंग 5x माइनस 5.8 वाई आ रहा है इस समय, हाँ तो ये एक्स समय एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है, ये एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, तो ये इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरली जाता है अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो। ये देख लीजिए ये हम एग्जैक्ट ओरिजिन से पास हो रहा है ये, तो इसका स्लोप अगर 9th क्लास में पढ़ते हो तो स्लोप आप निकाल सकते हो, कैसे स्लोप निकाला जाता है यू नो, हाँ तो वो हम आपको अभी डिस्कस नहीं करते, ये हुआ। अब देखिए अगर हम अभी क्या हो रहा, हम इसको शिफ्ट कर रहे तो ओनली ये वैल्यू चेंज हो रही, ये दोनों सेम है, है इसको भी हम ये चेंज कर रहे हैं तो एक्स प्लस वाई सेम था, ओनली ये कांस्टेंट पार्ट चेंज हो रहा था हमारा। अब इसमें देखिए ये भी एक्स वाई ये हो रहा, अब हमने इसमें थोड़ा सा प्रोविजन बदला है, ये इसको अगर हम यहाँ ले आए, इसको हम यहाँ ले आए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें हम या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो हमारा क्या हो जाएगा 4, 2, तो x की वैल्यू हो गई 4, y की वैल्यू 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। इसी तरह 0, 0 यहाँ पे ये ये वैल्यू, हाँ अब हम इसको देखो, अब इसको हम थोड़ा सा ये घुमा रहा है तो इंक्लिनेशन इसका जब चेंज हो रहा है तो ये सभी एक्स वाई ए जो एक्स के कोफिशेंट है वाई का कोफिशेंट और कांस्टेंट तीनों ही टर्म, ये
यह हो रही। अब इसको देखें, हम कोशिश करें कि ये दोनों पैरेलल हो गई। अब आपके ये देख लीजिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों? एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3.2 है। अगर हम A1 ले लें, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट A1 का को रिप्रेजेंट करें तो 1 हो गया, और A2 को 3.2। यहाँ y के कोफिशिएंट को B1 से रिप्रेजेंट करें, यहाँ वो y के कोफिशिएंट को B2, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? इक्वल 1/3.2, यहाँ से 1/3.2। इस कंडीशन में ये लाइन्स दोनों पैरेलल होता। आप और वीडियो जो हमने बनाए हैं या और लोड करेंगे, उस वीडियो में आप देखेंगे कि ये पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है। इंटरसेक्टिंग में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब A1, B1 और C1 क्या है, ये आपको ज्ञान होगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस। ये हमने पैरेलल की कंडीशन बनाई, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन बनाई। अब ये कंडीशन एक और हमने डिस्कस की कर रहे हैं, ये हम इसको और इसको दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप कर दें। ये ओवरलैप हो गए, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर अब ओवरलैप हो गई हमारी। हाँ, अब ये देखिए, तो ये करीब करीब ये कंडीशन क्या, किस कंडीशन में होता है ओवरलैप होने की कंडीशन? ये है, थोड़ा सा कुछ हमारा ये डेसिमल में है, अगर मैं इसको राउंड कर लूँ, राउंडिंग का ये देख लीजिए, आपका A1 is 1, B1 is also 1 और C1 is 3, A2 is 7, B2 is 7 एंड C2 is 21। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, 1/7, 1 = 1/7 = 3/21 is 1/7। तो ये एट दिस स्टेज द सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। यू विल लर्न दिस फैक्ट इन क्लास 10th। जस्ट आई हैव गिवन वन एग्जांपल टू यू। नाउ ये पैरेलल लाइन है, व्हेन दिस A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन विल गेट द पैरेलल। ये आप आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ इतना देखिए कि ये हमारे, हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे ग्राफ ये, जब x-y के फॉर्म में हो कुछ एक कांस्टेंट, यहाँ माइनस का सिंबल हो, तो ये अगर सेंटर से लाइन पास जब भी होगी तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी, और अगर एक्स सम वैल्यू भी हो सकती है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, और इसके यहाँ के वाई के साथ भी कोई कोफिशेंट हो सकता है, इसके साथ भी कोफिशेंट, तब ये सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो ये आप लोगों ने इसको समझा होगा, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अन्य वीडियो के समान पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों को अवश्य बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।